आकर आप सबसे रूबरू होकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया। अरसा दराज से मैं इस कोशिश में था, कि मैं यहां, चाहे ये टंडार है, चाहे टिटवाल है, केरन है, चौकीबल है, लोलाब है, हंदवाड़ा है, मच्छल है, इन तमाम एरियाज के अंदर मेरे जाने की बहुत तमन्ना थी और मैंने कोशिश भी की। कुपवाड़ा, बारामूला, श्रीनगर, बांडीपुरा, बड़गाम, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग, पहलगाम, इन तमाम एरियाज के अंदर तो मेरा बहुत जाना आना होता, लेकिन इस दूर दराज के एरिया में आज जब मैं पहुंचा हूं और आपके चेहरे की खुशी देखकर सच बोलता हूं, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी। मुझे याद है जब मैं छोटा होता था, तब से मैं अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, रेडियो सैरवीर में, रेडियो कश्मीर जम्मू में बहुत बार सुनता आया, साधना टनल, साधना टनल, साधना टनल। मेरी उम्र भी 44-45 साल हो गई, पता नहीं कितनी पीढ़ियां उससे पहले गुजर गई, लेकिन यहां टनल तो दूर, किसी ने सड़कें बनाने की भी सुध नहीं। जब मैं एमएलए था, बड़े बड़े लीडर चीफ मिनिस्टर है, क्या दिल्ली से तकरीरें करते हैं, श्रीनगर से तकरीरें करते हैं जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, क्या उनकी जुबान में कभी आपने साधना टनल का नाम सुना? सुना? कितने साल यहां चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती साहिबा रही, क्या आपने महबूबा मुफ्ती साहिबा की जुबान से साधना टनल की बात सुनी कभी? गुलाम नबी आजाद साहब जिक्र कर रहे थे, यहां मीन साहब चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर मालिक होता है रियासत का, चीफ मिनिस्टर एक टनल क्या, पांच पांच टनल लगा दी यहां, पांच पांच टनल। लेकिन क्या गुलाम नबी आजाद साहब के मुंह से, कभी कांग्रेस के मुंह से कभी आपने यहां टनल का नाम सुना, साधना टनल? ये टनल की आवाज अगर कहीं आई है तो दिल्ली से नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत। तमाम एरिया के लोगों ने आज बहुत ही जबरदस्त जोश और जज्बे के साथ जश्न मनाया है। 70 सालों की एक पुरानी मांग को, जो कि यहाँ टंगढार, केरन, करना, कुपवाड़ा के लोगों की मांग थी कि यहाँ साधना टनल, इसकी घोषणा की जाए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी साहब ने 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले साधना टनल, जो कुपवाड़ा और करना को आपस में जोड़ेगा, इसकी मंजूरी दी है। आज पूरे इस वादी करना में और कुपवाड़ा में, हंदवाड़ा में, बारामूला में आज बहुत जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। आज यहाँ के नौजवान नाच रहे हैं, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, आज एक प्रकार का जश्न है, दिवाली और ईद जैसा त्योहार जैसे खुशी का होता है। इस साधना टनल की अनाउंसमेंट के बाद, इसके ऐलान के बाद जो मोदी साहब ने किया है, आज इस पूरे वादिये करना में और कुपवाड़ा में जश्न है। मैं मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस बॉर्डर के इस एरिया में यहां के लोगों के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत की है।